हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश, आप देख रहे हैं क्रिएटिव इनिटिव चैनल को। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में एक 12 वोल्ट 15 एम्पियर का एक चार्जर बनाया है, जिससे आप यूपीएस की कार की और बाइक की बैटरी को चार्ज कर सकते हो और आप इसे किसी भी तरह की जो बैटरी होती है उसको चार्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी बॉडी को तैयार करूंगा और बॉडी बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ। ये आपको मेडिकल की शॉप पर इजीली मिल जाएगा और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग की है, ये आपको वीडियो के आगे पता लग जाएगी। तो अब फ्रेंड मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर रेड कलर का कलर करूँगा स्प्रे पेंट। आप चाहे यहाँ पर पेंट मत करना, मैं फ्रेंड इसलिए कर रहा हूँ दिखने में, जिससे कि अच्छा लगे हमारा और ये ऐसा लगेगा जैसे हम मार्केट से लाए हों। तो फ्रेंड मैं जल्दी इसके ऊपर कलर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर कलर कर दिया है और मैंने इसको अच्छी तरह धूप में भी सुखा लिया है। देख सकते हो फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है हमारे दिखने में। अब यहाँ पर मैं 15 एम्पेयर 12 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 250 रुपये का मिल जाएगा फ्रेंड्स। और ये मैंने एल्युमिनियम बैंडिंग में लिया है, आप अगर कॉपर बैंडिंग में लोगे तो वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। और फ्रेंड अब यहाँ पर मैंने एक रूट ली है जो कि एम्पेयर को कंट्रोल करती है और इसमें 9 वायर है फ्रेंड्स इस वाले ट्रांसफार्मर में। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाकर ले सकते हो और फ्रेंड ये 15 एम्पेयर का होता है तो आप इससे जो बड़े बैटरी होते हैं उनको भी इजीली यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने देख सकते हो फ्रेंड एम्पेयर कंट्रोलर लिया है, इसको वैसे हमारे यहाँ पर रूटरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नीचे कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पर इसके कुछ कनेक्शन होते हैं फ्रेंड, इसमें हमें इन वायरों को फिट करना रहता है। तो हमारा देख सकते हो इसकी हमने उल्टी साइड से दाईं तरफ से इसमें जो तीसरी वाली लेग से इसको स्टार्ट किया है और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो इसी प्रकार से मैं इसको जितने भी वायर हैं इनको फिट कर लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। फ्रेंड अब यहाँ पर देख सकते हो रूटरी का हमारा एक मेन स्विच बचता है, इसमें हमें एक मेन वायर को जोड़ देना है और एक हमारा इसमें ट्रांसफार्मर जो 9 वायर है उनमें से एक हमें छोड़ देना है, तो उसमें से एक मेन वायर हमारा निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, इसको लैन बाई लैन से इसको कनेक्ट कर देना है जैसे वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ पर फ्रेंड मैंने एक एम्पियर मीटर दिया है जैसे कि आपने देख सकते हो और इसके जो मैंने बॉक्स में होल किया था उसमें भी मैंने इसको फिट कर दिया है और यहाँ पर एक स्विच लिया है ऑन ऑफ स्विच के लिए, उसको भी मैंने इसके अंदर स्विच कर दिया है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे ट्रांसफार्मर को मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है, वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया है आपको इसी तरह से इसको फिट कर लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो एम्पियर होते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, तो 3 एम्पियर से लेकर आप इसको 15 एम्पियर तक इसको सेट कर सकते हो इसकी सहायता से। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं इसको भी फिट कर लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर की सहायता से और फ्रेंड इसी तरह से मैं नीचे वाले स्क्रू को भी टाइट कर लेता हूँ। फ्रेंड अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने दोनों को फिट कर दिया स्क्रू को और यहाँ पर देख सकते हो प्लास्टिक का हमारा जो पकड़ के इसको घुमा सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड इस तरह से इसमें हमारा लग जाएगा, ये भी इसके साथ रूटरी के साथ आपको मिल जाएगा। रूटरी भी आपको जहाँ पर ट्रांसफार्मर आप लाओगे वहाँ से ही मिल जाएगा आपको, 30-40 रुपये ईजिली मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने स्टन ग्लू लगा ली जिससे कि हमारा अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, आप इसी जगह स्क्रू भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर फ्रेंड मैंने एक और वायर को ले लिया है, इसके पिछले हिस्से मैंने एक होल किया था उसमें से मैं इस वायर को निकाल लूँगा तो ये हमारा डायरेक्ट 220 वोल्ट में इजीली लग जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसमें एक गिठा मान लेता हूँ जिससे कि हमारा वायर खींचने पर बाहर नहीं निकले या टूटे नहीं फिर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो हमारा ट्रांसफार्मर का एक वायर है उसमें हम बाद में फिट करेंगे, सबसे पहले हम फ्रेंड यहाँ पर रूटरी का जो एक हमारा मेन स्विच था उसमें हम एक वायर को फिट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। अब यहाँ पर फ्रेंड इसको मैं अच्छी तरह टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड हमने जो दूसरा वाला वायर था उसको भी फिट कर लिया है स्विच के साथ और जो हमारा ट्रांसफार्मर का ब्लैक वायर था उसके साथ हमने इस तरह से फिट कर लिया है स्विच के साथ। अब यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो मैं 6 एम्पेयर के डायबोर्ड ले रहा हूँ 3, तो 3 डायबोर्ड आपको ले लेना है और उनको क्या करना है, जो सिल्वर कलर की लाइन है उनको एक साइड में और जो ब्लैक कलर की एक साइड में आपको फिट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर इसको मीटर को निकाल दिया था तो अब मैं इसको दोबारा फिट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पर मैंने चटकनी लिया है जो कि बैटरी की पॉइंटों पर आपकी लग जाएंगी और यहाँ पर मैंने इसके साथ वायर को फिट कर लिया है पहले ही और उसमें मैं ब्लैक कलर का वायर ले रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट जो चटकनी है प्लस माइनस है उन पर, या आप अलग अलग कलर के जो वायर होते हैं उनको भी ले सकते हो।
तो फ्रेंड देख सकते हो अभी हमें क्या करना है, जो ट्रांसफार्मर के मेन दो वायर रह जाते हैं उन पर हमको इसका फिट करना है। अब फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, एल्युमिनियम के वायर हैं तो इसमें हमारी सोल्डिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर हम कॉपर वायर जो होता है उसको पहले इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। कोई भी आप बारीक वायर ले सकते हो और उसके ऊपर आप सोल्डिंग कर सकते हो, तो आप इसको कहीं और भी इस तरह से यूज कर सकते हो जहाँ पर सोल्डिंग नहीं होती हो। तो अब इसमें हमारी बहुत ही इजीली यहाँ पर सोल्डिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर टेप लगा दिया फ्रेंड, इस तरह से कुछ जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। इसी तरह से अब मैं क्या करूँगा, दूसरा वाला जो हमारा वायर है उस पर हम इसको डाई बोर्ड को लगा देंगे, जिससे कि फ्रेंड हमारा प्लस वाला पॉइंट निकल कर आ जाएगा। तो जल्दी से मैं इसको भी फिट कर देता हूँ, जैसे हमने कॉपर वायर से उसको फिट किया था इसी तरह से हम इसको भी फिट कर देते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो ब्लैक वाला वायर है वो हमारा ब्लैक जो पॉइंट हमारे पीछे की साइड में रखना है, जो हमारा सिल्वर वाली लाइन है वो हमें जो मीटर है उसके पॉइंट पर लगा देनी है। फ्रेंड आपको उल्टा नहीं करना है, जिस तरह से वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको इसी तरह से इसको लगा लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं इसके ऊपर सोल्डिंग कर देता हूँ, इजीली यहाँ पर सोल्डिंग हो जाएगी हमारी। पहले आप इसको थोड़ा रफ कर लेना रेगमाल की सहायता से। अब इसी तरह से हमारा जो दूसरा प्लस वाला वायर है उसको हम लगा देंगे, तो इससे हमारा क्या होगा फ्रेंड, जो हम जब एम्पियर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारे मीटर में शो हो जाएगा। अब यहाँ पर इजीली मैंने इसमें फिट कर दिया वायर, देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस तरह से इसमें हमारा प्लस का जो वायर है इस तरह से आ गया मीटर से निकलता हुआ। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे, दोनों वायर को खींच लेंगे, उसके बाद हम इसका ढक्कन को लगा देंगे, जिससे कि फ्रेंड अब हमारे बन करके तैयार हो चुका है। और इस बॉक्स से हमारा एक फ़ायदा हो रहा है फ्रेंड, जैसे गर्मियों में हमारा कुछ ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है तो आप इसका ढक्कन हटा सकते हो और ये इजीली हमारा हवा के कारण ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 775 डीसी मोटर है, अब भी मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। मेरे पास फ्रेंड अभी बैटरी नहीं है तो मैं आपको चार्ज करके नहीं दिखा सकता, और फ्रेंड मैं अभी आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा और एम्पियर भी। तो फ्रेंड अभी देख सकते हो मैं यहाँ पर मोटर की शाफ्ट पर एक टेप को लगा लेता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाए। और फ्रेंड जैसा कि देख सकते हो आप कट के हिसाब से आप एम्पियर इसके बढ़ते रहते हैं, जैसा कि देख सकते हो आप वीडियो में। फ्रेंड मैं इसके तीन कट ही बढ़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड ये जो हमारी मोटर है अगर मैं इसे ज़्यादा एम्पियर से चलाऊंगा तो ये फूक भी सकती है हमारी, इसलिए मैं इसे ज़्यादा यहाँ पर एम्पियर नहीं दे रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह से एम्पियर को ऊपर नीचे आप कर सकते हो बैटरी के हिसाब से। अब यहाँ पर 14 पॉइंट कुछ वोल्ट हमारे निकालना है और बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे इतने वोल्ट यहाँ पर चाहिए, तो आपको इस तरह से यहाँ पर कोई सी बैटरी लगा कर चार्ज कर सकते हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।